देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये उस गरीब आदमी की जीत है जो लंबे समय से जो उसकी बुनियादी आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हुई। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गरीब कल्याण की योजना है वो गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। गरीब को सस्ता राशन और अभी संकट काल में मुफ्त में राशन केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है। गरीब को पक्की छत, गरीब के घर में गैस का चूल्हा, गरीब के घर में रोशनी, गरीब की बेटी के लिए शौचालय, गरीब के परिवार के लिए आयुष्मान भारत यानी कि स्वास्थ्य की योजना, ये सब तमाम ऐसे काम हैं जो पहले भी हो सकते थे, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने संकल्प लिया गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीब तक पहुंचाएंगे। उसके लिए उन्होंने बैंक का सहारा लिया, जनधन के खाते खोले और बिना कट के, बिना कमीशन के, बिना दलालों के सीधे गरीब के पास गरीब की योजनाएं पहुंची और इसका परिणाम है कि आज पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना है, लोगों ने इस पर मोहर लगाई है और जिस तरह से COVID-19 से पूरी तरह से कारगर साबित हुई, जनता का उसमें सहयोग रहा और बहुत हद तक हम COVID-19 को परास्त करने में सफल हुए, क्योंकि ये कोविड के दौरान चुनाव हुए थे। विपक्ष के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए लेकिन जनता ने उनके आरोपों को खारिज किया। अपने शहर को बचाने के लिए, अपने प्रदेश को बचाने के लिए और आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी, उनको हम अच्छा पर्यावरण दें, उसके लिए हमें नागरिक के नाते भी इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। अगर आपका दफ्तर 5 किलोमीटर के दायरे में है तो निश्चित रूप से साइकिल का उपयोग करें, बैटरी से चलने वाली जो स्कूटी है उसका उपयोग करें और फोर व्हीलर भी अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल यानी कि बैटरी से चलने वाला फोर व्हीलर आप उपयोग करें। हम अपने आप से भी वायु प्रदूषण को कम करने में स्वयं का भी योगदान दें और धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को हम सड़क पर कम करें। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में चमत्कार देखने को मिलेगा, लेकिन अगर सब लोग जागरूक होंगे।